कलाकार ने आपके लिए गाना गाया, आपकी फिल्म के लिए गाना गाया? मैं तो शुरू से कुमार जी का फैन बन चुका हूँ और मुझे ये करके अच्छा भी लग रहा है कि मेरी फर्स्ट मूवी का पहला गाना सानू जी गा रहे हैं। और सर एक होता है, एक ड्रीम होता है हर आदमी का कि हर फिल्म में कोई एक नए स्टार सिंगर होने चाहिए, तो आज हमारा जो सपना था मेरा पूरा हो चुका है। बाकी फिल्म बनने के बाद जब दर्शकों को अच्छा लगेगा तो फिर तो आगे की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने वही 91 वाली बात को ध्यान में रख के, क्योंकि वो दौर कोशिश किया जाए तो आ सकता है, क्योंकि उस समय के गाने जो होते थे मेलोडियस होते थे और सुने जाते थे और आनंदित हुआ जाता था। आज के गाने में केवल डांस करता है आदमी, तो और उसके लिए कुमार सानू जी से बेटर हमको और कुछ कोई दूसरा नहीं लगा। तो हम इन लोगों बताए तो ये लोग एकदम तैयार थे। एक तो सभी फैन भी हैं उनके, और ये दो गाना जो यशराज जी वाला हिट हुआ इधर दम लगा के हिस्सा, तो उसी फ्लेवर का हम लोग जानबूझ के बनाए भोजपुरी में, और मूड बनाया गया कि नहीं सानू दा ही गाएंगे। ऐसे ही उपलब्ध रहते नहीं हैं, इंडिया में मिलते नहीं हैं। संजोग की बात है कि ये थे यहाँ पे और ये गाना रिकॉर्ड हुआ। गाना बहुत बढ़िया गाए हैं, अभी काफ़ी म्यूजिक इसमें बाकी भी है, अभी म्यूजिक पूरा नहीं था, लेकिन मिजाज से गाए हैं और अच्छा, वही मतलब एकदम कहीं से कोई इधर उधर नहीं, बहुत अच्छा गाए। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दम लगा के आयशा का भोजपुरी वर्जन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मिजाज से इसको बनाए हैं, वो फ्लेवर कुमार सानू जी के मूड का फ्लेवर लिया गया है। दम लगा के आयशा से कोई इसका रिश्ता नहीं है। ओके, डायरेक्टर साहब, आप कितना सही मानते हैं, जब मैं संगीत की बात करता हूं और कुमार सानू से दिग्गज फिल्म का हिस्सा बनते हैं, सिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फिल्म का? बिल्कुल, सिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे लगता है कि एक अच्छा सिंगर ही अच्छी सिंगिंग कर सकता है, ठीक है। और कुमार सानू जिससे बेहतर नाम हमारे जहर में पहला कोई नहीं आता, वो फर्स्ट है और हमेशा फर्स्ट ही रहेंगे। अगर शायद उनसे अगर पहले कोई आता है तो किशोर कुमार जी हैं, लेकिन कुमार सानू जी। फिल्म को कितना फायदा होगा कि कुमार सानू जैसे सिंगर का गाना और वो भी इस अंदाज में? बिल्कुल, फायदा तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये मतलब इनसे बड़ा सिंगर मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई हिंदुस्तान में है, ठीक ना। और ऑडियंस इनकी अभी भी, अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई थी हिंदी में जो कि मुझे लगता है कि ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, और हमने सोचा कि कुछ ऐसे ही हम भोजपुरी में करते हैं, इसलिए हमने कुमार सानू जी को मतलब इसके लिए सेलेक्ट किया। ओके, फिल्म का बैकग्राउंड कहीं यू नो कोल माफिया के ऊपर है? हाँ बिल्कुल, ये कहानी जो है पूरी तरह से कोल माफिया पे है, ठीक है। मतलब एक कोल माफिया कैसे किसानों को परेशान करता है, आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है, और कैसे अवैध कोल माइनिंग वगैरह में पैसे वगैरह कैसे कमाए जाते हैं, ब्लैक मनी वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेट करके पूरी कहानी बुनी गई है। और टाइटल इसका पड़लवा भारी छोरा बिहारी, तो एक बिहारी लड़की की कहानी है जो कि कोल माफियों से मतलब पंगा लेता है, ठीक है, समाज के लिए लेता है, खुद के लिए लेता है, अपने प्यार के लिए लेता है, और इससे पिए फिर पूरी फिल्म है। थैंक यू सो मच सर।